हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 फरवरी दिन रविवार है, वही हिंदी महीना फाल्गुन और कृष्ण पक्ष की 14वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देशवासियों के लिए मोदी जी ने किया है बड़ा ऐलान, तो चलिए सुनते हैं मोदी जी को लाइव। साथियों, कवि नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं, कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई, और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि हम किसानों के कल्याण के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के कर्ज माफी वाले झूठ के कारण प्रदेश में कई किसान डिफाल्टर हो गए हैं। हमने अब तय किया है कि कर्ज माफी के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का ब्याज हम भरवाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि और नीचे आएंगे गेहूं और आटे के दाम। इस पर मोदी सरकार कर रही है काम। दोस्तों, देश में गेहूं और आटे की कीमतों को लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके चलते अगले कुछ महीनों में इसके दाम सीधे नीचे आते दिखने लगेंगे, जिससे आमजन को मिलेगा फायदा और महंगाई में भी थोड़ी कमी आएगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगा होता आटा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, वहीं भारत में भी गेहूं और आटा दोनों की कीमतों में ऊंचाई बनी हुई है। ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आ सके। दरअसल मोदी सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पड़े गेहूं को रिलीज करने का प्लान बनाया है। ये गेहूं आटा मिलों या बल्क आर्डर देने वालों को जारी किया जाएगा। इससे बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें नीचे आएंगी। दोस्तों, खाद्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक गेहूं की जितनी मात्रा की नीलामी की गई है उसमें से 8,96,000 टन गेहूं को बोली लगाने वाले FCI के गोदामों से उठवा भी लिया गया है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है, अर्थात बाजार में आटे की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है। अर्थात धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में आटे तथा गेहूं की कीमत धीरे धीरे कम होने लगेंगी। दोस्तों, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने शिव पुराण कथा में दिया है विवादित बयान। उन्होंने कहा है कि सनातनी धर्म का पालन करने वाले हर दंपति 5 बच्चे पैदा करें। दोस्तों, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने छिंदवाड़ा में प्रवचन के दौरान कहा कि भारत में यह नहीं चलेगा कि कोई एक घर में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और कोई पीछे रहे, अर्थात हर सनातनी 5 बच्चे पैदा करे। इस प्रकार से यह बयान विवादित हो गया है और इस बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। दोस्तों, फागुन का महीना चल रहा है और इस फागुन के महीने में धार जिले में भगोरिया पर्व की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, धार जिले के सरदारपुर विकास खंड के गांव सुल्तानपुर में गंगा महादेव मंदिर में शनिवार से भगोरिया पर्व की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आदिवासियों के संस्कृति पर्व की धूम अब आरंभ हो गई है।
मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और अलीराजपुर के साथ अन्य जिलों में भी भगोरिया हाट लगाए जाते हैं और यह हाट पूरे फागुन महीने भर चलते हैं। दोस्तों, शिवराज सरकार की विकास यात्रा के दौरान इंदौर जिले में 455 करोड़ 48 लाख के विकास कार्यों का हुआ है लोकार्पण तथा भूमि पूजन। दोस्तों, इंदौर जिले में विकास यात्राएं लगातार जारी हैं, वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यात्राएं निकाली जा रही है। इन यात्राओं के दौरान जहां एक ओर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की सौगातें भी दी जा रही है। अर्थात जिले में 455 करोड़ 48 लाख के कार्यों का हुआ है भूमि पूजन तथा लोकार्पण, और यह प्रक्रिया जहाँ जहाँ विकास यात्रा जाएगी, प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास यात्रा जाएगी, वहाँ वहाँ सौगातों की बौछार लगेगी। दोस्तों, कर्मचारियों के हित में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी व पद से हटा दो, लेकिन पुरानी पेंशन योजना लागू करो। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट के विधायक तथा पूर्व मंत्री एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन जी ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। उन्होंने बालाघाट जिले के लालबर्रा में आयोजित विकास यात्रा में कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की जरूरत होती है। इस मांग के बाद यदि मुझे पार्टी बाहर निकाल भी दे तो मुझे मंजूर है, लेकिन तब भी वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के पक्ष में खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करो और इसके जमकर नारे भी लगाए। उन्होंने जनता से कहा कि मेरी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाओ। मैंने कहा था कि जिस तरह बुढ़ापे में पति को पत्नी की जरूरत होती है और पत्नी को पति की जरूरत होती है, उसी तरह एक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुढ़ापे में पेंशन की जरूरत होती है। इस प्रकार उन्होंने कर्मचारियों के हित में बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को आईपैड पर उपलब्ध होगा बजट, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सहित 230 विधायकों को आईपैड भी दिए जाएंगे। जिन विधायकों को आईपैड चलाना नहीं आता, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दोस्तों, सदन में विधायकों को आईपैड पर ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और विधायकों के प्रश्नों का उत्तर भी आईपैड पर उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इस नवाचार से कुछ हद तक विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस होगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम हितग्राहियों के दरवाजे पर दस्तक देगी है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिशन 2023 यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा केंद्र की नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले मुस्लिम वर्ग के लोगों के दरवाजे पर दस्तक देगी। अर्थात भारतीय जनता पार्टी वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए मुस्लिमों के दरवाजों पर दस्तक देगी। दोस्तों, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव जीतने और वोट शेयर 51% करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितग्राहियों की सूची तैयार करवा रही है, वहीं बूथ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर दलितों को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया है। खंडवा जिले से खबर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में महाशिवरात्रि पर दलितों को शिव की पूजा करने से रोक दिया गया, वहीं पुजारी ने उन्हें मंदिर में घुसने भी नहीं दिया। दोस्तों, दलित समाज के लोगों ने कहा कि वे खुद पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वे शिव जी के दर्शन करना चाह रहे हैं। वहीं मंदिर समिति के लोगों ने उन्हें मंदिर में घुसने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस के दखल के बाद दोनों पक्षों में मीटिंग हुई और इसका समाधान हुआ। समाधान के बाद दलित वर्ग के लोग शिवरात्रि के पर्व पर शिव जी के दर्शन कर पाए। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।